ईद कुर्बान भी शदीद गर्मी में गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने बड़े त्यौहार के तीनों रोज आसमान से आग बरसने की पेशगोई कर दी। साथ ही ये भी बता दिया कि बुध तक शिद्दत में कमी का कोई इम्कान नहीं। मैदानी इलाकों में पारा मजीद चढ़ने और अंदरूनी सिंध गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। ईद कुर्बान भी शदीद गर्मी में गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने बड़े त्यौहार के तीनों रोज आसमान से आग बरसने की पेशगोई कर दी। साथ ही ये भी बता दिया कि बुध तक शिद्दत में कमी का कोई इम्कान नहीं। मैदानी इलाकों में पारा मजीद चढ़ने और अंदरूनी सिंध गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। ईद कुर्बान भी शदीद गर्मी में गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने बड़े त्यौहार के तीनों रोज आसमान से आग बरसने की पेशगोई कर दी। साथ ही ये भी बता दिया कि बुध तक शिद्दत में कमी का कोई इम्कान नहीं। मैदानी इलाकों में पारा मजीद चढ़ने और अंदरूनी सिंध गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। ईद कुर्बान भी शदीद गर्मी में गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने बड़े त्यौहार के तीनों रोज आसमान से आग बरसने की पेशगोई कर दी। साथ ही ये भी बता दिया कि बुध तक शिद्दत में कमी का कोई इम्कान नहीं। मैदानी इलाकों में पारा मजीद चढ़ने और अंदरूनी सिंध गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है।